आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिकल बेटा हम लोग बाद में करेंगे, उसकी थ्योरी रीड आउट करना, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। कि मींस ये चैप्टर क्या बताएगा आपको, क्या बता रहा है कि पार्टनर जो है उनमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाना, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंजमेंट होना, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है पुनर्गठन, ठीक है, दोबारा से गठन होना, किसका, साझेदारी फर्म का, ठीक है। क्या होता है, कभी भी सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जो भी चेंजमेंट हो, ठीक है, वो क्या होगी, अगर कुछ भी लाइक दैट था, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एबीसी तीन पार्टनर है, वो एट प्रेजेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:2:1, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंजमेंट कर देते हैं, इक्वल इक्वल करते हैं, ठीक है। बेशक से पार्टनर सेम है, लेकिन उनके बीच में पहले एग्रीमेंट किसका था, 2:2:1 का, लेकिन अब एग्रीमेंट क्या हो गया है, इक्वली, ठीक है। तो ये चीज कराती है रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इट मींस ओल्ड एग्रीमेंट फिनिश एंड द न्यू एग्रीमेंट इज द स्टार्ट, ठीक है, समझ में आया बेटा, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनरशिप है उसमें कोई भी चेंजमेंट अगर हो जाता है तो वो क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। पार्टनरशिप जो होती है हमारी क्या होती है, रिजल्ट होती है किसका, एग्रीमेंट का, किसका, दो और टू और मोर पर्सन। हमारी जो पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है बेटा, रिजल्ट होता है किसका, एग्रीमेंट का, बिटवीन पर्सन, ठीक है, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप, अगर कोई भी चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, उनके एग्रीमेंट में, तो उससे क्या होगी, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होगी उसका तो क्या हो जाएगा, एंड, और नई पार्टनरशिप इज द बिगिन, ठीक है। नई पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस चेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन, अंडरस्टूड, समझ आया बेटा। तो रिकंस्टिट्यूशन किस किस केस में हो सकता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, कि रिकंस्टिट्यूशन पुनर्गठन, एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप है उसका पुनर्गठन कब कब हो सकता है, कब कब हो सकता है, मानो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था, एबीसी तीन पार्टनर है, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब वो चाहते हैं किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, 1:1 में, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड द रिकंस्टिट्यूशन। सेकंड इज द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, जब कोई नया पार्टनर और आ जाए, ठीक है, मानो ए और बी दो काम कर रहे थे, ठीक है, अब उन्होंने बिजनेस को क्या करना है, एक्सपेंड, तो उन्होंने किसको इंक्रीज कर, किसको और कर लिया, सी को और कर लिया, तो ये भी क्या कहलाता है, रिकंस्टिट्यूशन। इट मींस ऑल पार्टनरशिप ए और बी के बीच में क्या हो गई, एंड हो गई, और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई, किस किस के बीच में, ए बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट रिकंस्टिट्यूशन कब हो सकता है, अगर कोई पार्टनर क्या ले ले, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिस तरह कोई नया पार्टनर आ सकता है उसी तरह एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में से कोई छोड़ के भी जा सकता है, और जब कोई छोड़ के जाता है अपनी मर्जी से तो वो कहलाता है रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट, ए फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर थे, ठीक है, अब सी बोल रहा है कि मैं थक चुका हूँ, ठीक है, वो क्या जाता है, छोड़ना चाहता है फर्म को, तो नई पार्टनरशिप किस किस के बीच में होगी, ए और बी के बीच, ठीक है। तो ये भी क्या सिचुएशन, ये सिचुएशन भी क्या कहलाएगी, रिकंस्टिट्यूशन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज डेथ ऑफ ए पार्टनर, जरूरी नहीं है कोई छोड़ के जाए, कई बार होता है कुछ सिचुएशन किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब किसी कोई पार्टनर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो नई पार्टनरशिप आएगी, फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर थे, बी की डेथ हो गई, तो अब नया कौन कौन पार्टनर बचा, ए और सी, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनरशिप इज द एंड, एंड न्यू
पार्टनरशिप इज द बिगेन दैट विल बी कॉल्ड द रिकंस्टिट्यूशन. ठीक है. एंड लास्ट वन इज द अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. क्या अमलगमेशन मतलब होता है? जुड़ना, आपस में मर्ज हो जाना, काम करना मिलके. कई बार आपने देखा है ना, जैसे फोन में भी अभी हमारी कौन सी हुई थी, वीवो सॉरी आइडिया और वोडाफोन ने क्या कर लिया था, एक साथ मिलकर काम कर रही है. तो वो चीज क्या कहलाती है, अमलगमेशन. कि दो अलग अलग फर्म थी, उन दोनों ने क्या कर लिया, एक साथ मिलकर काम करने के लिए सोचा. तो वो जो चीज है वो क्या कहलाती है, अमलगमेशन. ठीक है. जब दो फर्म आपस में मिलकर काम करने लग जाए, दो फर्म अलग अलग चल रही थी. ठीक है. कौन कौन सी, आइडिया और द वोडाफोन. ठीक है. ये दोनों फर्म अलग अलग प्रोडक्ट कर रही थी, लेकिन अब इन दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे को मर्ज कर लिया, ज्वाइंट हो गई. तो ये क्या कर रहा था, अमलगमेशन. ठीक है. तो अब नई पार्टनरशिप इज द बिगिन एंड दैट विल बी कॉल्ड द रिकंस्टिट्यूशन. ठीक है. समझ में आ गया. तो रिकंस्टिट्यूशन किस किस केस में होगा, जब क्या हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर से वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर ले, कोई नया पार्टनर आ जाए. ठीक है. कोई पार्टनर क्या ले, रिटायरमेंट ले, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए. ठीक है. या फिर दो फर्म आपस में मिलके काम करने लग जाए. अंडरस्टूड. ठीक है. अच्छा ओके बेटा, आज के लिए यही.